नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुर्घटना में आमतौर पर देखा जा रहा है शराब पीकर वाहन चालक वाहन चलाते हैं और सड़क दुर्घटनाओं में मौत को आमंत्रित करते हैं। दुर्घटनाओं में मौत का लगातार आंकड़ा देख सुप्रीम कोर्ट ने यातायात विभाग को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कमेटी बनाई। कमेटी सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस को सड़कों पर जाकर वाहन चेकिंग का निर्देश दे रही है। जबलपुर में यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस ने रेलवे पुल क्रमांक 1 के पास दोपहिया और चारपहिया वाहन की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उपकरण के माध्यम से वाहन चालकों का परीक्षण किया। पुलिस ने इस दौरान कई वाहन चालक शराब को नशे में मिले, वहीं कई शराबी वाहन चालक पुलिस को धौंस भी दिखा रहे थे। पुलिस ने ऐसे धौंस दिखाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की। वाजिद खान की रिपोर्ट। एक बार अभियान चलाया जा रहा है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, रोड पर एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ चुकी है और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी जो बनी हुई है रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, उसके द्वारा निर्देश प्राप्त हैं कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्हीं उल्लंघनों में से एक है शराब पीकर वाहन चलाना। जब आदमी शराब पीकर वाहन चलाता है तो उसका वाहन पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है और होता यह है कि वो आपस में कहीं टक्कर मारना, खुद गिरना, तो उससे जान माल की क्षति होती है। तो ये हमने शाम को शुरू किया है। अभी शराब पीकर जो वाहन चलाने वाले वाहन हैं उनको सामने से ही पता चल जाता है कि ये डगमगाता हुआ आ रहा है और हम उसका अल्कोहोमीटर से टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट हम पूरी सावधानी से कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो भी एक बार जो उसकी नली फूकने वाली यूज करते हैं वो उसको हम फेंक देते हैं एक तरफ, फिर हम उसको रीयूज नहीं करते हैं। तो आप खुद देख रहे हैं सामने कि काफ़ी शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनमें शराब की मात्रा खून में प्रति 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml से ज़्यादा आ रही है। उनके खिलाफ़ हम मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कार्रवाई होती है कि वाहन जो है इम्पाउंड कर लिया जाता है, वाहन को जब्त कर लिया जाता है और उसका चालान जो है या इसमें जो भी सज़ा देनी है वो न्यायालय देती है। तो हमारा सबसे यही आग्रह है कि शराब पीकर कृपया वाहन ना चलाएँ। सर, नगर निगम का एक ड्राइवर भी गाड़ी चला था, बताया था कमीशन को। अब हम जब सड़क पे खड़े हैं तो हमारे लिए सभी व्यक्ति बराबर हैं। जिसके भी खून में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा मात्रा आएगी वो दोषी है और उसका वाहन जब्त किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।